Mila? No. Call me Pam. Pam? अच्छा, एप्पल खाएगी पैम? नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी शेक पी के आ रही हूँ। और पैम कैसे आना हुआ? पहले एक मिठाई था। मिठाई किस बात के लिए? मेरी बेटी की 99.9 मार्क्स आए एग्जाम में। 99.9? ये बाटा की प्राइस है कि मार्क्स है? तू कितनी मजाक करती है। एक और उठा। ये किस लिए है? हमने एक न्यू ऑडी कार खरीदी है। अरे वाह, मुबारक हो। थैंक यू। एक और उठा। अरे ये किस लिए है? हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं गर्मियों के छुट्टी में। अरे वाह, वर्ल्ड टूर पे जा रही है गर्मियों की छुट्टी में? तू किधर जा रही है? हम तो मनाली जाने की सोच रहे हैं। सब लोग का अपना बजट होता है। अरे जूही, कैसे आना हुआ? मेरी चाय पत्ती खत्म हो गई, थोड़ी सी चाय पत्ती दे देना। ना, चाय पत्ती लेके आती हूँ मैं। एक सेकंड रुको, थोड़ी सी चीनी भी दे देना, वो भी खत्म हो गई। अच्छा, मैं तेरे लिए चीनी भी लेके आती हूँ। एक सेकंड रुक, और थोड़ी सी दूध भी दे देना। थोड़ा सा दूध भी चाहिए? हाँ। जूही, तूने मुझसे चाय पत्ती, चीनी और दूध तीनों मांग लिए। एक काम करती हूँ, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। अरे ये बेस्ट आइडिया है, हम दोनों के लिए थोड़ा सा चाय बना लेना। थोड़ा सा मेरे को एक थर्मस में दे देना, मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट की चाय भी तू मुझसे लेके जाएगी? मेरे सब खत्म हो गया। जूही, ये ले जूही, चाय पी। अरे थैंक यू। अरे कितनी मस्त है। दीदी, मैं सोच रही थी क्या आज शाम को मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हो, उन लोगों को इधर ही लेके आती हूँ, आप ही डिनर बना देना। अच्छा, आप ही सोचो मेरे को डिनर बनाने के लिए कितना सारा सामान मांगना पड़ेगा। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। जी माय सर तुकाराम, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी है। इस सोसाइटी में मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ भी काम कराना हो सोसाइटी में तो आपको मेरा परमिशन लगेगा। अभी आप मेरे को ये बताओ, ये आपका घर किराए पे है कि आपने खरीदा है? किराए पे। अच्छा, तो आपको सारा नियम कानून, रूल रेगुलेशन सबको बराबर फॉलो करना, जैसे पार्किंग, आपके पार्किंग प्लॉट में, ठीक है? दूसरा, कचरा बाहर नहीं फेंकने का, लिफ्ट बराबर बंद करने का। ऐसा हमारे पास 150 पॉइंट का लिस्ट है। 150? हाँ, और हर चीज का फाइन भी डिसाइडेड है। अगर आप बराबर से नहीं करेगा तो आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है? तो आप काम करना, जब भाई साहब आए ना, उनको बोलना वैसे मिलने के लिए, वो मैं उनको पूरा लिस्ट देगा और अच्छे से समझा देगा कि उनको क्या क्या करना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बस, अभी मैं चलता है, ठीक है? थैंक यू। अरे बेल बजी, कौन आया? अरे नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आप इस सोसाइटी में नए आए हैं? अरे वाह, आपको पता है सोसाइटी में सब मेरे को जानते हैं, मैं सबको जानती हूँ। आपको कभी भी कोई भी काम हो ना, आप मेरे को बता, मैं फट से आपका काम करवा दूंगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इतनी देर हो गई बैठे हुए, आपने मेरे को चाय तो पूछा ही नहीं, चाय तो पिलाइए। अच्छा, मैं चाय लेके आती हूँ। थैंक यू। वेलकम। अरे आपको पता है सोसाइटी की बातें, मैं आपको बताती हूँ। अरे लंच टाइम हो गया, आप एक काम कीजिए, लंच बना लीजिए, मैं भी आपके यहाँ लंच करके जाऊंगी आज। अरे मेरा किचन तो सेट नहीं हुआ। तो आप लंच कैसे करोगे? मैं ऑर्डर करने वाली थी। ऑर्डर करने वाले? तो एक काम कीजिए, मेरा भी ऑर्डर कर दीजिए, मैं भी आज आपके साथ ही लंच करूंगी। अरे मेरे को याद आया, मेरी फ्रेंड ने मेरे को लंच करने बुलाया था। तो आप अपनी फ्रेंड के साथ जा रहे हो लंच करने? हाँ। मैं भी आपके साथ चलूं, फिर मैं भी आपके साथ वहीं पे लंच कर लूंगी और आपकी फ्रेंड से भी दोस्ती कर लूंगी। ओह, कैसी चिकू आंटी है। रोशनी कैसी है? ठीक हूँ। मैं तेरे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे को बहुत काम है। और बता, सोसाइटी में क्या चल रहा है? अरे दीदी, आपको पता है वो जो चप्पल आपके 2 दिन पहले गुम गए थे और फिर से आ गए थे, वो शर्मा जी की बेटी पार्टी में पहन के गई थी। अच्छा।
दीदी आपके वो रोज दूध के पैकेट चोरी हो जाते हैं, वो नीचे वाले फ्लोर पे बैचलर्स ले जाते हैं। हाँ। अच्छा ये पता रोशनी, तुझे ये सारी खबरें मिलती कहाँ से हैं? मैं मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद सीसीटीवी कैमरा रूम में बैठती हूँ और मेरे को ये सारा न्यूज मिल जाता है। अच्छा कौन क्या कर रहा है वो सब, और बहुत मजा आता है, बहुत इंटरटेनिंग है। तू भी कल से मेरे साथ आ। हाँ मैं नहीं आ रही बाबा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मेरे को ही सारी न्यूज मिलेगी। अरे रोशनी मैं चाय बना देती हूँ। नहीं मैं बहुत जल्दी में हूँ। दीदी ये सब बातें छोड़ो, हमें क्या मतलब है दूसरे से, और वैसे भी मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं चलती हूँ।